आज हम स्लीव की कटिंग करना सीखेंगे। मास्टर स्लीव यानी सिंपल स्लीव। मास्टर स्लीव की मदद से ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। हमने ये ब्राउन पेपर लिया है। ब्राउन पेपर की ये चिकनी साइड है और ये खुरदरी साइड है। ये मैंने उतना ही ब्राउन पेपर लिया है जितना मुझे चाहिए। इसकी जो विड्थ रखी है ये स्लीव की विड्थ के अकॉर्डिंग रखी है। इसको इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम हाफ स्लीव की कटिंग करना सीखेंगे। हाफ स्लीव की लेंथ के लिए 5 इंच या 6 इंच जितनी हमने लेंथ रखनी है उतनी हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। यहाँ पर 6 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 इंच ऐड किया। 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया। 8 इंच क्यों लिया? आधा इंच सीम अलाउंस में चला जाता है और 1.5 इंच टर्निंग के लिए। और ये सीधी इस प्रकार से हम रेखा को मिला देंगे। अब हम इस पीस को अलग निकाल लेंगे क्योंकि हमें इतना ही पीस चाहिए। ये इस प्रकार से कटिंग करने के बाद हम इसको साइड में कर देंगे एक्स्ट्रा को, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। ये विड्थ है और ये लेंथ है। स्लीव की विड्थ लेने के लिए कुर्ती या ब्लाउज या जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं उसके आर्म होल के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये ओपन साइड है। ओपन साइड की तरफ हमें 3 इंच डाउन आना है। ओपन साइड की तरफ ध्यान देना है, 3 इंच डाउन आना है, यहाँ निशान लगाना है। और 2.5 इंच फोल्ड साइड की तरफ ऊपर निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और ये जो 3 इंच का निशान लगाया है हमने, इन दोनों निशानों की हम सेव करेंगे। यहाँ से उठाएंगे और जो 2.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ ले जाकर इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमने आर्म होल की सेप दी। ये बैक साइड में आता है। अब फ्रंट में जो हम कटिंग करते हैं 1/2 इंच की, उसके लिए हम यहाँ पर उठाएंगे और 1/2 इंच 1/2 इंच की इस प्रकार से सेप देते हुए अंदर की तरफ और 2.5 इंच से मिला देंगे। ये हमने जो निशान लगाए वो फ्रंट साइड का था। बॉटम के लिए 11 इंच बॉटम है तो 5.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे। 7 इंच पर बॉटम पर निशान लगाएंगे। और इंच निशान को आर्म होल के निशान से इस प्रकार से मिला देंगे ऐसे। ये जो मैं कटिंग आपको बता रही हूँ बिल्कुल ही उसी हिसाब से जैसे आप कपड़े पर कर सकते हैं। ये हमारी आधी बाजू की ड्राफ्टिंग की है मैंने इसमें और कटिंग करेंगे। लेंथ 8 इंच ली है फोल्ड साइड की तरफ। यहाँ पर ये 8 इंच, बॉटम 7 इंच ली थी। और आर्म होल का जो हमने लेना है वो लेना है अपने कुर्ती या ब्लाउज या जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। 7.5 है तो 1.5 इंच प्लस करके 9 इंच विड्थ लेनी है। अब ये सभी निशान लग चुके हैं। अब मैं इनकी कटिंग करूंगी। ये मैं सिर्फ आपको एक ही स्लीव कटिंग करके दिखा रही हूँ। जब हम दो पीस कटिंग करेंगे स्लीव के लिए तो दोनों पीसों के लिए हम इक्वल कपड़ा लेंगे और कटिंग करेंगे। ये हाफ स्लीव हमारी कट के रेडी हो गई है। ये देखिए ये शेप आई है हमारी। अब ये जो हमने शेप लगाई है फ्रंट की, इसकी कटिंग करेंगे। या तो खोल के कटिंग करें या फोल्ड करके एक पीस को उठाना है, एक को छोड़ना है, दोनों की कटिंग नहीं करनी है। फ्रंट पीस की ही कटिंग हम करेंगे। ये जो निशान लगाया है इसको फ्रंट पीस को उठाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। जब दो पीस हम काटेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है,
उल्टी से उल्टी साइड को मिलाकर काटते हैं या फिर सीधी को सीधी साइड मिलाकर काटते हैं, तब आपकी परफेक्ट कटिंग होती है। ये हाफ स्लीव कट चुकी है, अब फुल स्लीव कट करके बताऊंगी। फुल स्लीव भी हम हाफ स्लीव की तरह ही कट करेंगे, फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारी फुल स्लीव है। फुल स्लीव की कटिंग करके दिखाऊंगी अभी मैं आपको। इसमें आर्म होल हम जितना हमने हाफ में रखा उतना ही लेंगे, इसलिए हमने ये कपड़ा जो फोल्ड करोगे या फिर हम ब्राउन पेपर या न्यूज़पेपर जिस पर भी बनाओगे इस प्रकार से आप फोल्ड करेंगे। लेंथ हमने यहाँ पर 19 इंच तैयार करनी है, तो 20.5 इंच लेंथ रखेंगे। ये लेंथ का निशान लगाने के बाद जो आर्म होल का निशान होगा वो हमने निशान लगाना है 9 इंच पर। ये हमने 9 इंच ही इसकी विड्थ रखी है। विड्थ और लेंथ हमने ले ली है। ये लेने के बाद ये जो ओपन साइड है, ओपन साइड की तरफ 3 इंच डाउन आएंगे। 3 इंच डाउन आने के बाद फोल्ड साइड की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब इसकी हम शेप करेंगे इस प्रकार से। 3 इंच के निशान को 2.5 इंच के निशान से मिला देंगे और ये फ्रंट शेप करेंगे। बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम यहाँ पर हमारी 9 इंच है, 4.5 4.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे, 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच का निशान लगाने के बाद हम इसको मिला देंगे। हाफ स्लीव और फुल स्लीव दोनों ही एक जैसी कटिंग हुई है, बस फर्क लंबाई का है। वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि क्या इसमें डिफरेंस होगा। लेंथ हमारी यहाँ पर 19 इंच तैयार करनी है तो 20.5 इंच, और 19.5 करनी है 21 इंच। आप जितनी करना चाहें आप यहाँ पर ले सकते हैं, सिर्फ तैयार नाप में आपको 1.5 इंच ऐड करना है। ये स्लीव के सभी निशान लग चुके हैं, अब हम फुल स्लीव की कटिंग करेंगे। इस प्रकार से हमारी हाफ स्लीव और फुल स्लीव की कटिंग होगी। यहाँ पर हम पहले बैक कटिंग करेंगे आर्म होल की जो हमने शेप की है स्लीव में। अब फ्रंट शेप की कटिंग करनी है, उसके लिए आपको बैक को छोड़ना है या खोलना है तब कटिंग करनी है, या फिर फोल्ड कर रहे हैं तो एक पीस को छोड़ना है बैक को और एक को उठाना है फ्रंट वाले को, तब ही कटिंग करनी है। दोनों को उठाकर कटिंग नहीं करनी है। एक पीस की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, और दो स्लीव की कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दो पीस की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट कटिंग हो गई और ये बैक। ये हमारी फुल स्लीव की कटिंग हो चुकी है और ये हमारी हाफ स्लीव की कटिंग हो चुकी है। स्लीव की कटिंग कंप्लीट हुई।